बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर ली हो। लेकिन इस चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हार के रूप में करारा झटका लगा है। दरअसल कौशाम्बी जिले के सिराथू विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का चुनाव हारना सियासी मायने में बीजेपी के लिए गहरी टीस से कम नहीं है। बता दें कि सपा गठबंधन प्रत्याशी पल्लवी पटेल को जैसे ही विजय घोषित किया गया, मतगणना स्थल पर हंगामा शुरू हो गया। केशव मौर्य समर्थकों ने आपा खो दिया। यहाँ पत्थरबाजी के साथ फायरिंग तक की गई, जिस पर पुलिस को हालात काबू करने में पसीने छूट गए। बहरहाल हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ कर पुलिस ने किसी प्रकार हालात काबू में किया। फिर भी मतगणना स्थल पर घंटों सनसनी का माहौल बना रहा। बता दें कि पल्लवी पटेल ने बीजेपी प्रत्याशी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 7,337 वोटों से पराजित किया है। वहीं जीत के उत्साह में पल्लवी पटेल ने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि जनता बदलाव चाहती थी, जनादेश जिम्मेदारी का एहसास कराने वाला है। कहा वह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगी। काउंटिंग जानबूझकर रुकवाई गई, लेकिन वी से व्हाटएवर एंड्स वेल दैट एंड्स वेल, तो अंत सब अच्छा है तो सब भला है। आपने कहा कि बेटे का जादू खत्म हो गया, घर में बहू का राज चलेगा। मुझे ऐसा लगता है बेटे का जादू खत्म नहीं हुआ, लेकिन बेटा अपने आप को किसी काम का प्रूव नहीं कर पाया, वो निकम्मा साबित हो गया। बहू की क्या जिम्मेदारी होगी, किस तरीके से सिराथू का विकास करेगी, क्या कुछ प्लानिंग रहने वाली है बहू की? मेरी सबसे पहले और अहम जिम्मेदारी यह है कि मैं उन लोगों के बीच में जाऊं, अपनी जनता के बीच में जाऊं, जिन्होंने मुझे पूरी ताकत से विपरीत परिस्थितियों में भी पूरा सहयोग दिया है और मेरे सर पर ये ताज लगाया है। तो सब कितने वोटों से आपने जीता है? आप जीती है यहाँ पर 5,000 लगभग 6,000 वोटों से मेरी जीत हुई है, और मैं ये मानती हूँ कि मैं जनता के बीच में जाऊंगी तो सबसे पहले मैं उनसे जानना चाहूंगी कि वो क्या मेरे लिए पैरामीटर सेट करते हैं, वो क्या चाहते हैं, मैं सबसे पहले किसको प्रायोरिटी पे रखूं। वहीं अपनी हार पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सिराथू विधानसभा क्षेत्र की जनता के फैसले को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूँ, एक एक कार्यकर्ता के परिश्रम के लिए आभारी हूँ। जिन मतदाताओं ने वोट रूपी आशीर्वाद दिया उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बता दें कि सपा ने पहली बार कौशाम्बी जिले की तीनों सीटों पर जीत हासिल की है। इस लड़ाई में केशव मौर्य को 98,941 वोट मिले, जबकि सपा की पल्लवी ने उनसे ज्यादा 1,06,278 वोट हासिल किए हैं। वहीं बीएसपी के मुनसब अली को 10,073 मत लेकर तीसरे नंबर पर रहे।